शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और जानते हो कि दुआ क्या है? अपनी हर परेशानी अल्लाह को बताकर बेफिक्र हो जाना। मोजज़े तो तब होते हैं जब हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाते हैं। कितनी दिलचस्प बात है ना कि समंदरों का मालिक निदामत के एक आंसू को पसंद करता है। जब दिल को सजदों में सुकून मिलने लगे तो समझ लो कि सजदे कबूल हो रहे हैं। जब वक्ते तहज्जुद तुम्हारी आंख खुद ब खुद खुलने लगे तो समझ लो कि अल्लाह को तुम्हारी हाजिरी पसंद आ रही है। तहज्जुद की दुआएं तो मौजों का अक्स होती हैं कि फर्श पर हाथ उठाओगे तो अर्श पे अल्लाह को पाओगे। और जहां बात सुकून की आती है तो मैं अल्लाह पाक से बातें कर लेता हूं। दोनों ही सूरतें यकीन की हैं, कोई अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ देता है और कोई अल्लाह पर ही सब कुछ छोड़ देता है। जिंदगी में बेसकूनी बढ़ जाए तो इबादत का वक्त बढ़ा दिया करो। मुझे बस यही यकीन मायूस नहीं होने देता कि मेरा नसीब लिखने वाली ज़ात 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है।